संस्कृत भारती द्वारा दिल्ली में प्रथम विश्व सम्मेलन का आयोजन छतरपुर मंदिर परिसर में किया जा रहा है। इस सम्मेलन द्वारा संस्कृत भारती संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने का काम कर रही है। तस्वीरें दिल्ली के छतरपुर मंदिर की हैं, जहां पर संस्कृत भारती का विश्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे और अन्य अतिथियों के रूप में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दिल्ली के सांसद चांदनी चौक से सांसद और केंद्रीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत देश की तमाम गणमान्य हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के तौर पर आए उपराष्ट्रपति श्रीमान वेंकैया नायडू ने संस्कृत भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत की वैज्ञानिकता और प्रासंगिकता के बारे में जो बातें कहीं, उसको देखकर हर सुनने वाला व्यक्ति ताली बजाता हुआ नजर आया। आइए सुनते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्या कहा। समय उसके लिए ही लोग संस्कृत अध्ययन करते हैं दुनिया में, हम लोग थोड़ा कम करते हैं। शिक्षा संस्थानों भी अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। सरकार को, जनता को, सभी को संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पुराना ज्ञान भंडार बाहर जाने के लिए, नया पीढ़ी तक उसको पहुंचाने के लिए संस्कृत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है और वांछनीय है। विशेष रूप में इसके ऊपर अध्ययन माने पीएचडी भी कर रहे, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे। ये हमारा भाषा है, हमारे पुरखों ने विकसित की हुई भाषा है। इस भाषा शास्त्र की दृष्टि से परिपूर्ण भाषा हम क्यों नहीं सीखे, सरल ढंग से व्यवहार में भी उपयोग हो सके। इस तरह संस्कृत भारतीय भाषा सिखाती है। इस संभाषण आंदोलन में देश भर हम सभी सहयोग दे, ये मेरा अपेक्षा है आप लोगों से और सबसे देशवासियों से। संस्कृत सीखकर इस ज्ञान विज्ञान का प्रदान करने का सुविधा आज की अपनी सरकार करेगी। कंसीव्ड कंस्ट्रक्टेड एंड परफेक्टेड बाय आवर एंशिएंट सेजेस ऑफ आवर ग्रेट भारत इन संस्कृत पूरा अपि नवा मीन्स दो इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज वेरी रिलेवेंट मॉडर्न एंड साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत पोसेस द वेदास इतिहास पुराणास शास्त्रास एंड अदर लैक्स ऑफ लिटररी वर्क्स व्हिच आर यू संस्था सुखिनो भवंतु इज द मैसेज ऑफ सेजेस व्हिच सीक्स द वेल बीइंग ऑफ नॉट ओनली ह्यूमैनिटी बट द कंप्लीट फोरा एंड फोना ऑफ द होल यूनिवर्स। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन द जियोग्राफिक रेंज ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द एंशियंट एंड प्री 18th सेंचुरी संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। बियॉन्ड एंशियंट इंडिया सिग्निफिकेंट कलेक्शंस ऑफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन चाइना पर्टिकुलरली द टिबेटन मॉनेस्ट्रीज म्यांमार इंडोनेशिया कंबोडिया लाओस वियतनाम थाईलैंड एंड मलेशिया। संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मैनुस्क्रिप्ट्स आर इट्स remnants, including some of the oldest known Sanskrit written texts, have been discovered in dry, high deserts and mountain terrains such as Nepal, Tibet, Afghanistan, Mongolia, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, and Kazakhstan. There may be so many other asthans, we may not be aware of it also. Mitro, is beech mein mujhe naam, non-aligned मीटिंग के लिए अजरबैजान जो पुराना रशिया का भाग था उसका राजधानी बाकू में जाने का अवसर मिला नाम कॉन्फ्रेंस के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट। वहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ के प्रदेश के सरकार ने मुझे बताया गया यहाँ एक मंदिर है टेंपल पुराना टेंपल है टेंपल ऑफ फायर उसका नाम उन्होंने कहा अतेशगा टेम्पल ऑफ फायर। इट वॉज ए टेम्पल ऑफ द 17th सेंचुरी
in Baku, Azerbaijan. I myself and my daughter, we went around the temple and we came out and we saw the main temple, most temple, mandir ke upar, humne pura mandir ke bare mein pura jankari Sanskrit mein likha hai wahan, Sanskrit. गुरु मुखे में लिखा है. मैंने कहा गुरु मुखी कैसा है जी? उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह यहाँ गुरु नानक जी आके यहाँ एक महीने बसे और उस समय उन्होंने यहाँ लोगों को जो ज्ञान बोध किया उसी के अनुसार लोगों ने उसको भी और मंदिर में ऐसे घूमते हुए हमने देखा अलग अलग उस समय का उनका व्यवहार शैली उनका जीवन पद्धति सभी के बारे में वहाँ पिक्चरल प्रेजेंटेशन था. और ऐसा देखते देखते गया अंदर एक कमरे में कमरे से के केव कमरे में गए ले गया और वो कमरे में हमारा शिव जी का तांडव करते हुए वहाँ एक स्टैचू और दूसरी कमरे में ले गया और तीसरी कमरे में गया ले गया वहाँ सरस्वती जी. केवल सरस्वती जी नहीं वहाँ उसके पीछे रिकॉर्डेड हिम्स जो हम लोग मंत्र श्लोक वगैरह पढ़ते हैं ना वो श्लोक वहाँ रेगुलरली चला रहे हैं और दुनिया भर से लोग आके उसको देख रहे हैं. इतना पुराना ज़ोरास्ट्रियन और हिंदू का एक समावेश उन लोगों ने वहाँ किया है. मित्रों हमारा देश में भी बिफोर द एडवेंट ऑफ फॉरेन इन्वेशन इन इंडिया Sanskrit was the medium of education and lingua franca of India. Universities in Nalanda, the Takshashila, were teaching almost all the subjects like economics, Arthashastra, astronomy, Surya Siddhanta, warfare, Dhanurveda, physics, Bhautika Shastra, chemistry, Rasayana Shastra, mathematics, Ganitam, medicine, Ayurveda, literature, Sahitya, art forms, Sangeet, Natya Shastra, etc. were taught at that time in our country, in our universities. Sanskrit, one of the most ancient languages in the world, has a body of knowledge that has been an inexhaustible source of inspiration to Indian philosophers and thinkers. It has been the vital link between Indian languages in terms of vocabulary. Most of the Indian languages have originated from Sanskrit. It has been India's unseen unifying force. Gopabandhu ji Sanskrit mein bol rahe the. Mujhe samajh mein aa rahe. Kyon? Mujhe Sanskrit maloom nahi hai. Maine padha nahi. Itna nazdeek hai. Har ek shabd mujhe samajh mein aa rahe. Malayalam mein, Canada mein. Aisa bahut Bharatiya bhashaon mein ye Sanskrit shabd है. इट्स ए लिंक, इट्स एन अनसीन यूनिफाइंग फोर्स. वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया विदाउट थिंकिंग ऑफ संस्कृत. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया विदाउट रीडिंग द क्लासिक एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, द फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज लाइक द वेदास एंड द उपनिषद्स आर बीइंग overheard by the sheer force of poetic expressions of Kalidasa, Bhasha or Bhavabhuti. We have the best scientific, mathematical, astronomical and medical texts in this language. In their foreword to Sanskrit Computational Linguistics 2009, Gerard Huet, Amba Kulakarni and Peter Schroff have said, I quote, manuscripts in Sanskrit number over 30 million, 100 times those in Greek and Latin combined, constituting the largest cultural heritage that any civilization has produced prior to the invention of the printing press. 30,000 million. William Jones wrote in 1786, the Sanskrit language, I quote, the Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek. I am not saying it, he said it. More copious than the Latin,
एंड मोर। मातृभाषा संस्कृत और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत के सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने विचार भी व्यक्त किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अपनी राय रखी और विरोधी पार्टियों के स्टैंड को भी बेनकाब करते हुए नजर आए। दिल्ली से आप देख रहे हैं प्रिंस बहादुर सिंह के साथ गौरव सिंह की एक खास रिपोर्ट। अब आइए सुनते हैं कि मनोज तिवारी और जयराम ठाकुर ने बात करते हुए क्या कहा। अरे क्या कर रहे हो तुम, कैमरा देखो थोड़ा साइड नीचे कर लो। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वसम्मत निर्णय, सारी बारीकियों से जुड़ने के बाद, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो संवैधानिक है, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से, उनका परीक्षण, उनका अध्ययन, उस पर बहस, उस पर चर्चा, तमाम सारी चीज़ें होने के पश्चात निर्णय ये हुआ कि राम जन्मभूमि वाले नहीं है, सिर्फ भगवान रामचंद्र जी की है। और संतुलित एक निर्णय दिया गया, दूसरे धर्म को भी एक स्थान, उचित स्थान दिया जाए, ताकि वहाँ पर जो उनको अपने इसके मुताबिक करना है, अनुसार करना है, वो भी कर सकें। तो इस निर्णय का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय भारत के इतिहास में ये हुआ है, और जो आने वाले भारत को एक मजबूती प्रदान करेगा, और जो आपसी हमारा एक संबंध, एक रिश्ता, उसको और मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएगा। निर्णय आया उसके बारे में आपने बोला, एक इंसान को मैं समझता हूँ इस निर्णय ने पूरे विश्व में भारत की न्याय व्यवस्था का परचम लहराया है। आप देखेंगे इस निर्णय में दोनों पक्षों के साथ न्याय हुआ है। जहाँ रामलला विराजमान को पूरी जमीन दे दी गई है, वहीं दूसरे पक्ष को 5 एकड़ जमीन भी दी गई है, अयोध्या के परिधि में ही दी गई है। तो किसी के पास भी अब निराश होने का कोई अवसर नहीं है। और मैं समझता हूँ इसी न्याय व्यवस्था के कारण भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है, सबसे अलग जाना जाता है। और हम सभी की प्रार्थना है कि जो भी निर्णय है उसको हम सभी स्वीकार करें और देश प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े। सो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम ट्वीट्स आए हैं, कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से और नेशनल हेराल्ड में आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि जिसकी लाठी उसकी बहस, वो कार्टून बनाया गया, जिस पर संबित जी का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका स्टैंड एक तरफ, भारत सरकार और तमाम जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि शांति बनाए रखें, सौहार्द रखें और भारत की जीत माने, लेकिन वहीं पर कांग्रेस इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर भी तंज कस रही है और एक तरह से देखा जाए तो वो समाज में एक जहर घोलने का भी काम कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कांग्रेस को ये लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उन्होंने अपनी लाठी का जो प्रयोग किया वो भी देश को पता है। और वर्तमान सरकार में अगर वो मानते हैं कि इसको लाठी ही कहते हैं, तो उसका जो सुंदर प्रयोग हुआ है उससे पूरा देश खुश है और कांग्रेस की लाठी से हमेशा बचना चाहता है। अच्छा सर, एक संस्कृत कार्यक्रम के बारे में बात करें, जो कि सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, आप भी कलाकार हैं और साथ साथ दिल्ली प्रदेश रहते हैं, किस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर कहते हैं और कितना बढ़ावा देंगे आप लोग, क्योंकि खुद राष्ट्रपति ने भी आपको कहा। देखिए, जीवन का, अध्यात्म का, जीवन में खुशी का, शांति का समागम जो संस्कृत में ज्ञान है वो और कहीं है ही नहीं। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कि जो विनम्र होता है, अभिवादनशील होता है, उसके चत्वारः तस्य वर्धन्ते, उसके 4 चीज हमेशा बढ़ते हैं, आयुर्विद्या यशो बलम्। अब जब हमको पता ही नहीं होगा, ये ज्ञान के पास हम जाएंगे ही नहीं, तो फिर तो अधजल गगरी छलकत जाए।
हमारी संस्कृत भाषा ही समझाती है कि एकाक्षरम यह गुरु प्रबोधये पृथिव्यम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वाचारिणी भवेत। अभी उपराष्ट्रपति जी गुरु की बात कर रहे थे ना, अब ये भी होती गुरु कौन है, गुरु कैसे माने। अरे भाई एकाक्षरम यह गुरु प्रबोधये, अगर आपको एक अक्षर भी किसी गुरु ने आपके जीवन उपयोगी दिया तो पृथ्वी पे कोई ऐसा द्रव्य ही नहीं जिसको दे करके आप ऋण हो सके। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। कहने का मतलब एक लाइन है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढोड़े बनमान, वो संस्कृत हमारी कस्तूरी है, उसके अंदर सारे निदान सारी सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। उससे दूसरे देशों के लोग तो आज विज्ञान में क्षेत्र में आगे जाने लगे, लेकिन हम शायद उसमें पिछड़ गए। संस्कृत भारती को धन्यवाद, जिसपे पुनः हम चलने के लिए तैयार हैं। सर एक क्वेश्चन,